डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स फिफ्थ सेमेस्टर के क्लासिकल मैकेनिक्स की यूनिट वन जो है कंस्टेंट मोशन। इससे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन दो स्टेटमेंट्स में बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट वन है, इन द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इट्स ऑब ऑलवेज रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो बॉब होता है वो जो है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ऑलवेज जो है कि एक कांस्टेंट या फिक्स डिस्टेंस पर रहता है। स्टेटमेंट टू है, द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इज ऑलवेज सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टीज रिमेन्स अनचेंज। यहाँ पर आ जा रहा है कि रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है, रिजिड बॉडी मोशन में इज ऑलवेज सच दैट, ये इस तरह से होता है हमेशा कि जो दो पार्टी के बीच का डिस्टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। तो आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है स्टेटमेंट वन ओनली, यानी स्टेटमेंट वन जो है कि करेक्ट है। ऑप्शन बी है स्टेटमेंट टू ओनली, यानी स्टेटमेंट टू जो है कि सिर्फ करेक्ट है। या फिर ऑप्शन सी है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है क्या है, करेक्ट हैं। दोनों ही सिचुएशंस करेक्टली डिस्क्राइब की गई हैं। तो यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू, विच वन इज नॉट ए क्लास ऑफ कंस्टेंट्स। इनमें से कौन जो है कंस्टेंट की क्लास नहीं है ये बताने हैं। ऑप्शन से ऑप्शन ए होलोनोमिक, ऑप्शन बी ए नॉन होलोनोमिक, ऑप्शन सी ए रियोनोमिक, या फिर ऑप्शन डी ए नॉन ऑफ दी एबव। यहाँ पर होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक या रियोनोमिक जो है ये तीनों ही कंस्टेंट की क्लासेस हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन इसमें से कंस्टेंट की क्लास नहीं है। तो यानी कि इसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है ए बी और सी में से जो कि कंस्टेंट की क्लास ना हो। यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा नन ऑफ दी एबव। यानी ये तीनों ही कंस्टेंट की क्लासेस हैं, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि उस क्लास में ना बिलोंग करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थ्री, ए बीप स्लाइडिंग ऑन ए मूविंग वायर इज एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर एक बीप है जो कि मूविंग वायर पर स्लाइड कर रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल्स है। ऑप्शन ऑप्शन ए होलोनोमिक कंस्टेंट, ऑप्शन बी ए नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट, ऑप्शन सी ए रियोनोमिक कंस्टेंट, या फिर ऑप्शन डी ए स्क्लेरोनोमिक कंस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो ऑप्शन राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रियोनोमिक कंस्टेंट। तो जो स्लाइडिंग बीड होती है ऑन अ मूविंग वायर, यह जो है कि रियोनोमिक कंस्टेंट पर क्या करती है, बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर, ए बीड मूविंग ऑन सर्कुलर वायर इज एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक मूविंग बीड है जो कि सर्कुलर वायर पर मूव कर रही है, तो उस ये किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए होलोनोमिक कंस्टेंट, ऑप्शन बी ए नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट, ऑप्शन सी ए रियोनोमिक कंस्टेंट, या ऑप्शन डी ए स्क्लेरोनोमिक कंस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल है ये होलोनोमिक कंस्टेंट का एग्जांपल है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फाइव, ए पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन एन एलिप्सॉइड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर एक पार्टी स्लाइड कर रहा है एलिप्सॉइड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो ये किसका एग्जाम्पल्स है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए
होलोनॉमिक कंस्टेंट, ऑप्शन बी है नॉन होलोनॉमिक कंस्टेंट, ऑप्शन सी है रियोनॉमिक कंस्टेंट, या फिर ऑप्शन डी है स्क्लेरोनॉमिक कंस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है नॉन होलोनॉमिक कंस्टेंट। यहाँ एलिप्सॉइड है कि ये एक फिक्स इक्वेशन से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते इसके मोशन को, ये एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन होलोनॉमिक कंस्टेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सिक्स, द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है वो किसका एग्जाम्पल से, ऑप्शन से ऑप्शन ए होलोनॉमिक एंड स्क्लेरोनॉमिक कंस्टेंट, ऑप्शन बी ए नॉन होलोनॉमिक एंड स्क्लेरोनॉमिक कंस्टेंट, ऑप्शन सी ए होलोनॉमिक एंड स्क्लेरोनॉमिक कंस्टेंट, ऑप्शन डी ए नॉन ऑफ दी डीज। तो डियर स्टूडेंट्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी जो है ये है एग्जाम्पल्स ऑफ होलोनॉमिक एंड स्क्लेरोनॉमिक कंस्टेंट। होलोनॉमिक और स्क्लेरोनॉमिक कंस्टेंट का ये एग्जाम्पल्स है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेवन, कंस्टेंट फोर्स इन ए सिंपल पेंडुलम इज। तो सिंपल पेंडुलम में कंस्टेंट फोर्स क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स बाई अर्थ, ऑप्शन बी ए टेंशन इन द स्ट्रिंग, ऑप्शन सी ए फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर, या फिर ऑप्शन डी ए नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सिंपल पेंडुलम होता है उसमें जो कंस्टेंट फोर्स वर्क करता है वो होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एट, कंस्टेंट फोर्स इन द केस ऑफ ए बीट स्लाइडिंग ऑन द वायर इज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि कोई बीट है जो कि वायर पर स्लाइड कर रहा है तो उस केस में कंस्टेंट फोर्स क्या होगा। ऑप्शन से ऑप्शन ए रिएक्शन फोर्स नॉर्मल टू ईच पॉइंट, ऑप्शन बी ए टेंशन इन द वायर, ऑप्शन सी ए रिएक्शन बाय द वायर एग्जर्टेड ऑन द बी एट ईच पॉइंट, या फिर ऑप्शन डी ए नन ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस केस में जो कंस्टेंट फोर्स होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए रिएक्शन बाय द वायर एग्जर्टेड ऑन द बी एट ईच पॉइंट, ये इसका क्या है कंस्टेंट फोर्स है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नाइन, द वर्क डन बाय द कंस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन द आइडियल कंस्टेंट मोशन इज ऑलवेज। यहाँ कहा जा रहा है वर्क डन बाय द कंस्टेंट फोर्स जो कि एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इन द आइडियल कंस्टेंट मोशन। आइडियल कंस्टेंट मोशन में किसी ऑब्जेक्ट पर कंस्टेंट फोर्स जो वर्क करता है उसी वर्क से फोर्स से वर्क डन कितना होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी नॉन जीरो, ऑप्शन सी पॉजिटिव और ऑप्शन डी ए नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट, कंस्टेंट फोर्स जो होता है किसी आइडियल कंस्टेंट मोशन में जो वर्क करता है तो उसके द्वारा जो वर्क किया हुआ वर्क डन जो होता है वो जो है कि ऑलवेज क्या होता है जीरो होता है, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टेन, इन ए सिस्टम ऑफ कैपिटलियन पार्टिकल्स सब्जेक्टेड टू के इंडिपेंडेंट कंस्टेंट्स द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी। तो यहाँ पर कोई एन पार्टिकल का सिस्टम है 3D में और उस पर जो है कि स्मॉल के जो है कि इंडिपेंडेंट कंस्टेंट्स हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा ये हमें बताने हैं। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए 3 टाइम्स एन माइनस के, ऑप्शन बी ए 3n माइनस के और ऑप्शन सी ए एन माइनस 3k एंड ऑप्शन डी ए 3k माइनस एन। तो डियर स्टूडेंट, जितने यहाँ पर कंस्टेंट्स होते हैं उतने जो है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जा रहा करते हैं और ये थ्री डायमेंशनल सिस्टम है और इसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो ईच पार्टिकल्स
जो हैं उससे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड होती हैं। तो इस तरीके से टोटल जो होंगे वो 3n पार्टिकल्स होंगे यदि कोई कंस्टेंट उस पर अप्लाई नहीं किया गया है तो, और यदि कंस्टेंट अप्लाई कर दिया जा रहा है तो जितना कंस्टेंट होगा उतना कम हो जाएगा। तो यानी इसका जो राइट जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो 3n-k होगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एसोसिएटेड विथ सिंपल पेंडुलम इज द एंगल विच द पेंडुलम मेक्स विथ वर्टिकल लाइन थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन दिस स्टेटमेंट इज। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, फॉल्स है या और है, इसको हमें बताने हैं। ऑप्शन से ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स, या फिर ऑप्शन डी ए कैन नॉट बी से एनीथिंग। तो रियल स्टेटमेंट ये जो पॉइंट्स है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये जो एक ट्रू स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, जनरलाइज मोमेंटम एसोसिएटेड विथ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पर क्यू के जनरलाइज कोऑर्डिनेट से एसोसिएटेड जनरलाइज मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है इसे हमें बताने हैं। ऑप्शन ऑप्शन ए पी के इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल क्यू के, ऑप्शन बी ए पी के इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल क्यू डॉट के, ऑप्शन सी ए पी के डॉट इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल क्यू के, और ऑप्शन डी ए नन ऑफ डी। तो यहाँ पर टी जो है कि काइनेटिक एनर्जी है और पी जो है कि मोमेंटम है, पी के जो है कि के एथ जनरलाइज कोऑर्डिनेट का ये मोमेंटम है और क्यू के जो है ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट का जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और क्यू के डॉट जो है कि ये के एथ जनरलाइज जो है कि वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो मोमेंटम होता है वो ऑप्शन बी द्वारा दिया जाता है, जो जनरलाइज मोमेंटम होगा वो पी के इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, काइनेटिक एनर्जी इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आर थीटा इज गिवन बाय। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर एंड थीटा है, इसमें क्या होंगे ये हमें बताने हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह कर सकते हैं पूछा गया है। तो ऑप्शन से ऑप्शन ए हाफ एम आर स्क्वायर प्लस आर डॉट स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ऑप्शन बी ए हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ऑप्शन सी ए हाफ एम आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डॉट थीटा स्क्वायर, ऑप्शन डी ए नन ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस केस में वो ऑप्शन बी द्वारा दी जाएगी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, लीनियर मोमेंटम इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर थीटा इज गिवन बाय। तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर थीटा में क्या होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ऑप्शन बी है एम आर थीटा डॉट, ऑप्शन सी है एम आर डॉट, ऑप्शन डी है एम आर थीटा डॉट। तो रियल स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी एम आर डॉट ये जो होगा लीनियर मोमेंटम होगा। आर डॉट को हम भी लिख सकते थे, ये एम बी है, तो यहाँ से बता सकते हैं कि यही क्या है लीनियर मोमेंटम का एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, एंगुलर मोमेंटम इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर थीटा इज गिवन बाय। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ऑप्शन बी ए एम आर डॉट थीटा डॉट, ऑप्शन बी ए एम आर थीटा डॉट, ऑप्शन सी ए एम आर डॉट, और ऑप्शन डी ए एम आर थीटा डॉट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए,
यानी एंगुलर मोमेंटम जो होगा जनरेट कोऑर्डिनेट आर थीटा में वो होगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, द प्रोडक्ट ऑफ एनी जनरलाइज मोमेंटम एंड एसोसिएटेड कोऑर्डिनेट मस्ट ऑलवेज हैव डायमेंशन ऑफ, यह आपका आ जा रहा है कि कोई भी जनरलाइज मोमेंटम हो और उससे एसोसिएटेड जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसका जो डायमेंशन आता है वो किस तरह के बराबर होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए टॉर्क, ऑप्शन बी है फोर्स, ऑप्शन सी एंगुलर मोमेंटम एंड ऑप्शन डी है लीनियर मोमेंटम। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी जनरलाइज मोमेंटम और उससे एसोसिएटेड कोऑर्डिनेट का जो प्रोडक्ट होता है उसका जो डायमेंशन होता है वो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, द प्रोडक्ट ऑफ एनी जनरलाइज फोर्स एंड एसोसिएटेड जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट मस्ट ऑलवेज हैव डायमेंशन ऑफ, अब यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी जनरलाइज फोर्स हो, किसी भी डायमेंशन का जनरलाइज फोर्स और उससे एसोसिएटेड जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, इनका जो प्रोडक्ट होगा उसका जो डायमेंशन होगा किसके बराबर होगा ये हमें बताने हैं। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी ए वर्क, ऑप्शन सी ए टॉर्क एंड ऑप्शन डी ए मोमेंटम। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी जनरलाइज फोर्स और उससे एसोसिएटेड डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होता है वह जो है कि वर्क के डायमेंशन के क्या होता है बराबर होता है, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, द वर्क डन इज डैश डैश इन द केस ऑफ एन आर्बिट्री वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिस्टम फॉर ए पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजिशन से किसी भी सिस्टम में आर्बिट्री वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसमें जो वर्क डन होगा वो कितना होगा यही बताना है, इसमें डैश डैश पोजिशन पर क्या आएगा। ऑप्शन से ऑप्शन ए फाइनाइट, ऑप्शन बी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी जीरो एंड ऑप्शन डी ए नॉन जीरो। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी जीरो होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं द वर्क डन इज जीरो इन द केस ऑफ एन आर्बिट्री वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पोजिशन से किसी भी सिस्टम का आर्बिट्री वर्चुअल वर्क जो होता है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो होता है उस केस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है ऑलवेज जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इज एक्सप्रेस एज, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा। ऑप्शन से ऑप्शन ए समेशन ओवर आई एफ आई डॉट डेल आर आई इक्वल टू जीरो, ऑप्शन बी ए समेशन ओवर आई एफ आई ए डॉट डेल आर आई प्लस समेशन ओवर आई एफ आई सी डॉट डेल आर आई इक्वल टू जीरो, ऑप्शन सी ए समेशन ओवर आई एफ आई सी डॉट डेल आर आई इक्वल टू जीरो, ऑप्शन डी ए समेशन ओवर आई एफ आई ए डॉट डेल आई ए इक्वल टू जीरो। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो फोर्स है ये फोर्स है एफ आई ए अप्लाइड फोर्स है और यहाँ पर जो स्मॉल एफ आई सी है ये कंस्टेंट फोर्स है और आर डेल आर जो है डिस्प्लेसमेंट है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो हमें बताना है कि ये जो फोर ऑप्शंस दिए हमें इसमें जो है कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का एक्सप्रेशन कौन सा है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये क्या है राइट आंसर है, यानी जो प्रिंसिपल आप वर्चुअल वर्क है वो एक्सप्रेस होता है समेशन ओवर आई एफ आई ए डॉट डेल आर आई इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एफ आई ए जो है ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है,
अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 20, द डी एन लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल फॉर ए डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम इज गिवन एज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि डी एन लैम्बर्ट प्रिंसिपल जो है डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम के लिए क्या है, किस एक्सप्रेशन द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ऑप्शन ए समेशन ओवर आई एफ आई डॉट डेल आर आई इक्वल टू जीरो। ऑप्शन बी है समेशन ओवर आई एफ आई माइनस पी आई डॉट डॉट डेल आर आई इक्वल टू जीरो। ऑप्शन सी है समेशन ओवर आई एफ आई माइनस पी आई डॉट डेल आर आई इक्वल टू जीरो। एंड ऑप्शन डी है समेशन ओवर आई एफ आई ए डॉट डेल आर आई इक्वल टू जीरो। तो डियर स्टूडेंट, जो डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल होता है वो आप ऑप्शन बी द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर है जो है समेशन ओवर आई एफ आई माइनस पी आई डॉट डॉट डेल आर आई इक्वल टू जीरो। तो ये जो प्रिंसिपल है डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल, ये डायनेमिक सिस्टम्स के लिए दिया जाता है। और इसका अपोजिट जो है जो वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, वो जो है स्टैटिक सिस्टम्स के लिए दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये सीरीज जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का, वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।